हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गट एरिया भोटिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है कि अपनी जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो जारी की है। तो फ्रेंड देखिए, जम्मू कश्मीर एक भारत का महत्वपूर्ण अंग है और काफ़ी आतंकवाद के साए में रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जम्मू कश्मीर एक कंट्रोवर्सी में घिरा रहा है जब से भारत आज़ाद हुआ है। भारत इसको अपने नक्शे में दिखाता है, इवन पाकिस्तान भी इसको अपने नक्शे में दिखा देता है, लेकिन दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और ये हमारे इंडिया की शान है। तो हमारे इंडिया पे जम्मू कश्मीर जो है एक तरीके से ताज का काम करता है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ये जानकारी दी हुई है, तो मैं इसमें आपको एक कमी बताऊंगा और एक गुड न्यूज़ आपको ये देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे चरवाहा, गद्दी गडेरिया, भोटिया, ये सब जो लोग हैं फ्रेंड, इसके भी एक कैंडिडेट को टिकट मिला है जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये लिस्ट है, जैसे अशोक भट्ट हिंदू हैं, ये मोहम्मद अकरम चौधरी, ये शेड्यूल ट्राइब से इनको टिकट मिला है, रियासी से कुलदीप राज दुबे, बलदेव राज शर्मा, ठाकुर रणधीर सिंह, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए बहुत सारे नाम हैं, बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली, ये गुर्जर हैं, मोहम्मद इकबाल मलिक, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, चौधरी अब्दुल गानी, मुर्ताज खान, और देखिए तृतीय जो इसका चरण है उसके लिए देखिए उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता, बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर से शेड्यूल कास्ट से सुनील भारद्वाज, बानी से जीवन लाल लालहाल को टिकट मिला है। ये गद्दी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फ्रेंड देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, जो गद्दी को रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर में वो शेड्यूल ट्राइब से है। तो ये देखिए फ्रेंड, बानी जो सीट है ये रिज़र्व तो नहीं है एससी एसटी के लिए, लेकिन जो जीवन लाल हैं ये अब देखना होगा इनको टिकट किस कैटेगरी से मिला है या इनकी कैटेगरी क्या है। तो ये वैसे शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, यानी गद्दी को जो गद्दी कम्युनिटी है, गद्दी शेफर्ड है या गद्दी गडेरिया है, वहाँ पर ये गद्दी पाल भी बोल देते हैं। तो ये बानी सीट से इनको टिकट मिला है जीवन लाल जी को। बिलावर से सतीश शर्मा को टिकट मिला है फ्रेंड, और दर्शन सिंह को, राजीव जसरोटिया को टिकट मिला है। उसके अलावा हीरानगर से विजय कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार मनियाल, सुरजीत सिंह सलाटिया, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, गहरू राम भगत, नरेंद्र सिंह रैना, यदुवीर सेट्ठी, देवेंद्र सिंह राणा, अरविंद गुप्ता, श्याम लाल शर्मा, मोहनलाल भगत, ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और राजीव शर्मा। तो फ्रेंड इस लिस्ट में आपको देखिए एक चीज़, मैं आपको दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे शेफर्ड कम्युनिटी के, शेफर्ड गडेरिया कम्युनिटी या शेफर्ड पाल कम्युनिटी या गद्दी पाल कम्युनिटी, गद्दी शेफर्ड, गद्दी गडेरिया, तो इनसे लाल हाल जी को टिकट मिला है, जीवन लाल लाल जी को बानी सीट से। ये पीसीएस अधिकारी रहे हैं फ्रेंड, फिर इन्होंने रिटायरमेंट लेके पिछली बार ये फ्रेंड विधायक रहे थे, अब दूसरी बार इनको टिकट मिला, और फ्रेंड इनके जीतने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए अगर आप हिंदूज़ की कैटेगरी देखें इसमें, तो देखिए जैसे अशोक भट्ट हैं ये ब्राह्मण हैं, बलदेव राज शर्मा हैं, कुलदीप राज दुबे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़्यादातर जो टिकट मिले हैं वो हिंदुओं में शर्मा लोगों को, यानी कि ब्राह्मण लोगों को मिले हैं टिकट। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड देखिए इनको, जैसे ठाकुर रणधीर सिंह हैं, और देखिए इसमें और भी हैं बहुत सारे लोग हैं, दर्शन सिंह हो गए, ठीक है, तो ये राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। और तीसरा फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो तीसरा अगर किसी कैटेगरी को मिला है यहाँ पर, तो गुप्ता लोगों को, यानी कि बनियाओं को मिला है, जैसे उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता को, ठीक है, ये बनिया है। उसके अलावा फ्रेंड देखिए आपके जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता को, तो ये सारे टिकट मिले हुए हैं फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड इसको जितना हो सकता है अपने गद्दी शेफर्ड कम्युनिटी को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।